आपने NIS 12th का इंतजार कर रहे होंगे, आपने अक्टूबर नवंबर का एग्जाम दिया होगा, उस रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि भाई कौन सा कॉलेज करो, भाई कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, BSc करूँ, इंजीनियरिंग करूँ, आर्ट्स करूँ, कॉमर्स करूँ। दिमाग में सवाल चल रहा होगा सरकारी नौकरी भर लूँ, प्राइवेट जॉब कर लूँ, डिस्टेंस से भर लूँ, इग्नू से कर लूँ, कई सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे कई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी टेंशन आपको ये परेशान कर रही होगी, प्लस टू का रिजल्ट क्या आने वाला है, प्लस टू में कौन पास होने वाला है, प्लस टू में कौन फेल होने वाला है, प्लस टू में क्या परसेंटेज रहने वाली है, प्लस टू में ग्रेस मार्क्स मिलने वाले कि नहीं मिलने वाले हैं, और प्लस टू में प्रैक्टिकल के मार्क्स और TMA के मार्क्स जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। तो हम आपको एक चीज़ बता दें, इस बार NIS का जो प्लस टू का रिजल्ट है वो अच्छा आएगा, अब उसकी चिंता छोड़ दीजिए। अगर आपने पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा, अगर आपने किसी भी क्वेश्चंस का जवाब दिया होगा, अगर आपने हर क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत भी कुछ लिखा होगा, तो इस बार आप चिंता छोड़ दीजिए, आप पास तो हो जाओगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबरों से पास होगे। पर अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा होगा तो फिर आपको कोई नहीं पास करा सकता, ये भी बात आपको समझ लेनी है। और बात कर लेते हैं प्लस टू में कितने स्टूडेंट पास होने वाले, क्योंकि आपके मन में हर बार डाउट रहता है, तो इस बार की जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी जाए, और आप देखोगे कि पिछले साल से ज्यादा इस साल में बहुत अच्छे पास होने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात तो है कि नए साल पर रिजल्ट आने वाला है, सन 2023 में रिजल्ट आने वाला है, तो नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए।